हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, ये जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2010 से लगातार 2022 तक पूछा गया है, तो 2023 में आने के 99% चांसेस है। ठीक है, तो इस जीवन परिचय को आपको जरूर तैयार करके जाना है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए आपको जीवन परिचय लिखना कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है कि साहित्यिक परिचय पूछता है तो हम कैसे लिखें, तो यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे जरूर तैयार करके जाना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप क्या लिखना है, जीवन परिचय में आप उनके जन्म को लिख दीजिए। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु को लिख दीजिए, उनके माता पिता का नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो ये सब आपको उतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है, जीवन परिचय में आप थोड़ा सा उनके जीवनी के बारे में लिख दीजिए। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है। तो देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, और बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। तो इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। आगे ध्यान दीजिए, वह ज्योतिष और संस्कृत के प्राकंड विद्वान थे। तो अनमोल द्विवेदी यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो पिताजी थे वो ज्योतिष और संस्कृत के प्राकंड विद्वान थे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, द्विवेदी जी ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार से प्राप्त किए। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। तो इन्होंने उत्तराधिकार से ज्योतिष और संस्कृत का जो है शिक्षा प्राप्त किया, और काशी जाकर के इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, हिंदी के महान साहित्यकार का सन 1979 ईस्वी में मृत्यु हो गया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था, 1979 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जीवन परिचय में लिख देना है, इतना लिखिए, इतना बहुत है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो देखिए साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक और उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। तो देखिए यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या क्या हैं, उनकी उपलब्धियों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार थे, इतिहास लेखक थे, अन्वेषक थे, आलोचक थे, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त यानी कि उपन्यासकार के अलावा कुशल वक्ता थे और सफल अध्यापक भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी उपलब्धियों को ही लिखा जाता है साहित्यिक परिचय में। आगे ध्यान दीजिए, वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्राकंड विद्वान थे। ठीक है, आगे देखिए, इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया है। तो ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय, उनकी उपलब्धियों को इसमें बताया गया है, तो आपको ऐसे ही लिख देने हैं। ठीक है, अब उनकी रचनाओं को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो रचनाएं आपको किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है रचनाएं, और इसमें लिखना है इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, या फिर आप लिख सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें लिखना है निबंध संग्रह, इसमें आप क्या लिखेंगे, अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व, विचार प्रवाह। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकते हैं। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि अशोक के फूल के लेखक कौन है, तो आपको बताना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जीवन परिचय जब आप पढ़ते हैं तो ये सब चीजों को ध्यान में रखा करिए, यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाते हैं। तो जीवन परिचय को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करिए। आगे देखिए, आगे है आलोचना साहित्य, तो इसमें आपको क्या लिखना है, सूरदास, कबीर,
फिर साहित्य का मर्म। तो इस प्रकार से आपको आलोचना साहित्य में लिख देना है। आगे देखिए, आगे है उपन्यास, इसमें आपको लिखना है बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्वा और अनाम दास का पोथा। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय समाप्त होता है। तो ऐसे ही आपको लिखना है, सबसे पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है, उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है, उसके बाद उनकी रचनाओं को लिख देना है। तो इस प्रकार से लिखिए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो एक अच्छी राइटिंग में अपने बोर्ड एग्जाम में लिख करके आइएगा। 16 फरवरी को आपका पेपर है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास, तैयारी आप अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 16 फरवरी को आपका एग्जाम है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उन सबको आप लोग तैयार करिए। अभी तक आप लोग नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपको नंबर के लिए पढ़ना है। तो नंबर के लिए पढ़ने के लिए आपको उन सभी क्वेश्चन को पढ़ने होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपके इस चैनल पर। तो प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाकर के सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या फिर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।